नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। थाना बारादरी क्षेत्र के पीलीभीत बायपास रोड पर आरए एजेंसी के नाम से पेंट की दुकान है, जिसके मालिक रफत का बेटा असद बैठा है। कल शाम 7:30 बजे बगैर नंबर प्लेट की प्लेटेनिया गाड़ी ब्लैक कलर की वहां पर आकर रुकी। एक व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए था, उसके दोनों साथी मास्क लगाए हुए थे। उन्होंने दुकान में घुसते ही दुकानदार और उसके नौकर पर तमंचा तान दिया और गले में रखे 30,000 रुपए लेकर तीनों युवक फरार हो गए, जिसकी सूचना 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीओ समेत तमाम अधिकारी वारदात का जायजा लिया, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। पुलिस ने बदमाशों की छानबीन फुटेज के माध्यम से शुरू कर दी है। सर, क्या नाम आपका? सर, जानना चाहेंगे क्या हुई थी आपके साथ, क्या घटना हुई थी? सर, मेरा बेटा बैठा हुआ था और एक लड़का ये बैठा हुआ था, दोनों लोग थे। तो यहाँ पे तीन लोग तमंचा लेके आए और उन्होंने एक ने सामने से रखा, एक दो लोग अंदर घुस के आए, गले पे से उन्होंने पैसे निकाले। कितने पैसे होंगे लगभग? करीब 30,000 रुपये। अच्छा, किस तरीके के लोग थे, कैसे कुछ? सर, वो बाकी ढाटा बांधे हुए थे, एक हेलमेट पहना हुआ था। अच्छा, किसी पर कोई शक वगैरह? सर, बाकी हम तो दुश्मनी किसी से है नहीं, बिजनेस में है ना, क्या रखेंगे किसी को। लेकिन हाँ, दिन दहाड़े कैसे क्या हुआ, ये कैसे मनचले लड़के हैं, कुछ ज़्यादा एज भी नहीं थी, 25 से 30 साल के लगभग के बीच के लड़के हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए सिटी न्यूज़ बरेली के साथ।